नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल रंजन और स्टडी इंडिया अड्डा डिजिटल वेब लर्निंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल पे स्पेशली एएलपी टेक्नीशियन सीबीटी 2 का स्पेशली कंटिन्यू क्लासेस चल रहा है दोस्तों, इसलिए आप लोग कंटिन्यू जो है वीडियो को देखते रहिए। अब तक हम लोग दोस्तों बहुत से मैक्सिमम क्वेश्चन बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का कवर कर चुके हैं। बता देना चाहता हूँ, इसमें दोस्तों अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जितने भी रेलवे में क्वेश्चन अब तक पूछा गया है, स्पेशली बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से, उसका पूरा टॉपिक वाइज जो है दोस्तों हम लोग पार्ट बाई पार्ट करके वीडियो देख रहे हैं। जिसे बता देना चाहता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये पार्ट 10वां वीडियो है। इनसे पहले अगर वीडियो नहीं देखे तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक सेलेक्ट किया गया है आईटी लिटरेसी, जिसमें दोस्तों कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब तक जितने भी पूछे गए हैं रेलवे में, वो पूरा इस वीडियो में दोस्तों डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ देखेंगे। ये आपका दोस्तों बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का पार्ट है आईटी लिटरेसी। ठीक है, जिसका दोस्तों बता देना चाहता हूं पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो में पूरा इसका जो है एमसीक्यू, जितने महत्वपूर्ण एमसीक्यू बनते हैं वो पूरा इस दो वीडियो में कवर कर दूंगा जो अब तक पूछे गए हैं, जिसका पार्ट 1 वीडियो है। शाम तक जो है दोस्तों पार्ट 2 वीडियो इसका अपलोड हो जाएगा। एक बात और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, इस चैनल में प्रत्येक दिन 3 वीडियो अपलोड हो रहा है दोस्तों, मॉर्निंग, दोपहर और शाम को। प्रत्येक वीडियो दोस्तों आपको एग्जाम को देखते हुए स्पेशल टॉपिक सेलेक्ट करके इस चैनल पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखा कीजिए और चैनल को फॉलो जरूर किया कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर। और जो स्टूडेंट इस चैनल में फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है जितना जल्द हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि मैं जितने महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊं उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचे। और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि हर किसी को फायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन की ओर शुरू करते हैं। देख सकते हैं आईटी लिटरेसी दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं वो पूरा इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ध्यान दीजिएगा, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है तथा डाटा प्रोसेस कर सकती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, उसे क्या कहते हैं? उसको दोस्तों बता देना चाहता हूँ, कंप्यूटर बोला जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आरआरबी इलाहाबाद एलपीओ पूछा गया वर्ष 2008 में क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दोस्तों जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा को जो है प्रोसेस करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है तथा परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए जो है स्टोर कर लेती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को सिलेक्ट करना है दोस्तों। पहला देख लेते हैं, यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करता है। बिल्कुल रॉन्ग, करेक्ट है दोस्तों, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसमें जो भी कोई सूचना स्टोर की जाती है यह उस तक पहुंच सकता है, बिल्कुल राइट है। इसमें कोई भावावेग नहीं होता, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होता, यह भी राइट है। यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचाती है, बिल्कुल रॉन्ग है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सिलेक्ट करके वीडियो बनाता हूं। आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है। आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं, द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर, मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर कितने होते हैं दोस्तों? 6 होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बता देना चाहता हूं कौन कौन होते हैं, ये भी जानना जरूरी है। पहला मेन होता है दोस्तों सीपीयू, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है। सेकंड होता है इनपुट डिवाइस, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब इनपुट डिवाइस है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ देगा इनपुट माउस क्या है, इनपुट या आउटपुट है या नन ऑफ दीज है, आपको जो है इसको करेक्ट सेलेक्ट करके ऑप्शन एलिमिनेट करके बनाना होगा। सबसे बेस्ट प्रोसेस, फिर से बता रहा हूं कि ऑप्शन एलिमिनेट करके सबसे बेस्ट प्रोसेस होता है दोस्तों आसानी से क्वेश्चन एमसीक्यू बनाने के लिए। ठीक है,
इनपुट डिवाइस में होता है दोस्तों, माउस स्कैनर कीबोर्ड सब होता है इत्यादि होता है। एंड थर्ड है दोस्तों आउटपुट डिवाइस, जैसे प्रिंटर मॉनिटर स्पीकर ये सब होते हैं। और फोर्थ में आता है दोस्तों मेमोरी यूनिट, जैसे रैम वगैरह हो गया। फिफ्थ में होता है स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। एंड सिक्स्थ होता है दोस्तों कम्युनिकेशन डिवाइस, यानी कंप्यूटर के मुख्य भाग टोटल है सिक्स, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, उस पद का नाम है दोस्तों एरिथ्रोसाइट। सीपीयू, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, ये सब कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड है दोस्तों, कंप्यूटर का पार्ट है। एरिथ्रोसाइट कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं लोको पायलट कोलकाता में पूछा गया ये क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूं दोस्तों, इसलिए लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, स्किप करने की कोशिश ना कीजिएगा। क्वेश्चन है, ए पर्सन इज कॉल्ड कंप्यूटर लिटरेट इफ ही एंड सी इज जस्ट एबल टू। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल। किस चीज को सक्षम होगा दोस्तों, बता देना चाहता हूं, आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, रन नीड बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों, टोटल 75 क्वेश्चन है, आप लोग इस एक सेट की तरफ बनाइए, सेट की तरफ देखिए जो दोस्तों, आप लोग एक कमेंट लास्ट में जरूर फीडबैक दीजिए कि 75 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ है। ठीक है, एक फीडबैक जरूर दे दिया कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डाटा को परिवर्तित करता है। ठीक है दोस्तों, बता देना चाहता हूं, कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में बदलता है, डाटा अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है जबकि सूचना व्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। ठीक है दोस्तों, डाटा जो है ये अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य इसको माना जाता है दोस्तों, जबकि सूचना को व्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य माना जाता है। डाटा प्रोसेस की पहले की अवस्था है तथा साधारणतः डाटा को दो भागों में बांटा जाता है। क्वेश्चन आपको पूछा गया है डाटा को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, पहला है संख्यात्मक डाटा और दूसरा अल्फा न्यूमरिक डाटा। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन परिवर्तित किया जाता है, डाटा को, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, हर किसी को पता होना चाहिए। आप लोग 25 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, दी गई सूचनाओं के ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर कोई भी सूचना हो सकती है दोस्तों, जिसे कंप्यूटर प्रयोग करता है एवं अनेक कार्यों के लिए उसे सेव करके रखता है। जैसे मैं दोस्तों, कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग या कंप्यूटर द्वारा संग्रहित जानकारी है जिसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो क्लिप, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या कोई भी दोस्तों अन्य प्रकार के डाटा हो सकते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है। डाटा का दोस्तों बता देना चाहता हूं कि बाइनरी में होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर में डाटा बाइनरी रूप में भंडारित किए जाते हैं दोस्तों, स्टोर किए जाते हैं। बाइनरी संख्या आपको पता होना चाहिए, जीरो तथा वन से मिलकर के बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देख सकते हैं दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन एएलपी में पूछा गया है, हर एक बोर्ड में, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसका सेकंड पार्ट जो है इवनिंग में तक अपलोड हो जाएगा। इसका फीडबैक अगर सही रहा दोस्तों, अगर लाइक एंड लाइक जो है अच्छा रहा, अच्छा खासा, तो जो है शाम तक आपको सेकंड पार्ट इसका मिल जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स कच्चे तथ्य, राफ फैक्ट को बताता है, जबकि इसमें डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। बता देना चाहता हूं दोस्तों, डाटा कच्चे तथ्य को बताता है जबकि सूचना में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है, ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए एंड इसका करेक्ट आंसर सेलेक्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 11 नंबर क्वेश्चन। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का मैं इस चैनल पर करवा दूंगा दोस्तों, बस आप लोग कंटिन्यू चैनल को फॉलो करते रहिए एंड दो से तीन बार इस वीडियो को जरूर देखा कीजिए। दो से तीन बार देख लेने के बाद आपको क्वेश्चन जो है प्रत्येक क्वेश्चन दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमरिक डाटा समानता क्या रूप लेता है।
ये रूप लेता है दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नंबर और अल्फावेटिकल करेक्टर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है? नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण दोस्तों कर्मचारी का पता, परीक्षा के अंक, बैंक शेष, उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, बता देना चाहता हूं, नन न्यूमेरिक डाटा में अंकों दोस्तों 0 से 9 तक प्रयोग नहीं किए जाते हैं, जबकि न्यूमेरिक डाटा में केवल अंकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे परीक्षा के अंक, बैंक शेष इत्यादि। ठीक है दोस्तों, कर्मचारियों के पता में अल्फा न्यूमेरिक डाटा का यूज किया जाता है, अर्थात अंकों तथा अक्षरों दोनों का प्रयोग किया जाता है। नॉन न्यूमेरिक में दोस्तों ये जो है इसका उदाहरण नहीं, ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ जाइए, 13 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर पर जानकारी फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में स्टोर किया जाता है। दोस्तों कंप्यूटर पर जानकारी बता देना चाहता हूं, डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर में सूचना 0 और 1 की ऑपरेशन में शुरू स्टोर होता है दोस्तों, जिसे डिजिटल डाटा बोला जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, प्रोसेस डाटा इज नोन एज, प्रोसेस डाटा को के रूप में क्या जाना जाता है? प्रोसेस डाटा को दोस्तों इन्फॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है, जानकारी के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने योग्य उपलब्ध सभी सामग्री डाटा दोस्तों उसको जो है डाटा बोला जाता है। और दोस्तों जिस डेटा पर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी हो उसे सूचना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल्य लक्ष्य डाटा को क्या करना होता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूचना में परिवर्तित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को क्या कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको रेलवे में देखने को मिलेगा, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट जरूर कीजिए 75 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हार्डवेयर। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है हार्डवेयर, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं? ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए और बनाइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं? कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर है दोस्तों, सॉफ्टवेयर नहीं है, कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर है। यह सीपीयू का भाग है दोस्तों, जो मेन मेमोरी में स्टोर किया जाता है, स्टोर किए हुए प्रोग्राम से जो है निर्देश प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, वे डिवाइस से कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बताती है और जिसे आप देख या छू सकते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिए, उसे हार्डवेयर बोला जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बता देना चाहता हूं, वे सभी इंस्ट्रूमेंट जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं दोस्तों, उसे जो है हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हार्डवेयर के रूप में के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? कमेंट कीजिए, हार्डवेयर का भाग नहीं है दोस्तों, लेन ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। माउस, चिप, सेमीकंडक्टर, ये सब कीबोर्ड दोस्तों ये सब हार्डवेयर का पार्ट है, लेन जो है ये हार्डवेयर का पार्ट नहीं है। लेन का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, लेन का लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, ये होता क्या है, एक निश्चित और छोटे भाग के आपस में जो है कंप्यूटर को एक जाल में फंसाता है, यानी जाल में कनेक्ट करता है। ये जो है दोस्तों, या ऑफिस, फैक्ट्री, विद्यालय आदि प्रयोग में किया जाता है लैन केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक क्या होती है? दोस्तों कंप्यूटर हार्डवेयर में वास्तविक दोनों मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? कमेंट कीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसे दोस्तों बोला जाता है हार्डवेयर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट जिन्हें आप छू सकते हैं उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? हार्डवेयर बोला जाता है, ऑप्शन है। दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप लोग इस क्वेश्चन को आसान मत समझिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रेलवे का एएलपी सीवीटी 2 का एग्जाम होने वाला है, वो 10th लेवल का एग्जाम है, ठीक है दोस्तों। आईटी आप लोग जैसे बीटेक किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, आप ये मत समझिए कि हम लोग बीटेक किए हो तो बीटेक का सिलेबस आएगा। सिलेबस ऑलरेडी रेलवे ने प्रोवाइड करा दिया है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जो कि आपको है 10th लेवल का ही आएगा दोस्तों, जो आईटीआई लेवल का होता है, आईटीआई लेवल का ही सिलेबस आएगा। इसलिए आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर इग्नोर मत कीजिए, आप लोग ध्यान में जरूर रखिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। विंडोज एक्सपी हार्डवेयर नहीं है, कीबोर्ड माउस एंड रोम ये सब हार्डवेयर है। देख सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन कभी न कभी किसी न किसी बोर्ड में पूछा गया, आप लोग खुद देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन हार्डवेयर नहीं है? ये हार्डवेयर नहीं है दोस्तों, ऑप्शन सी असेंबलर जो है हार्डवेयर नहीं है, बाकी तीनों हार्डवेयर है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? इसी टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक्सेल जो है कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, बाकी माउस मॉनिटर प्रिंटर ये सब हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है दोस्तों, ध्यान से इसको पढ़िए, ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए और बनाइए। ये जो है सीडी रोम है दोस्तों, हार्डवेयर है, ठीक है। सी प्लस प्लस, विंडोज 7 ये सब हार्डवेयर नहीं है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ये दोस्तों जावा भी एक प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये हार्डवेयर नहीं, बाकी ये तीनों प्रोसेस चिप प्रिंटर माउस ये हार्डवेयर का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, हार्डवेयर इक्विपमेंट में कंप्यूटर बना होता है, हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है, कौन से हार्डवेयर इक्विपमेंट से बना होता है दोस्तों? ये होता है ऑप्शन ए, करेक्ट हो जाएगा, मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको सीपीयू के नाम से जानते हैं, कीबोर्ड और माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रोग्राम, ध्यान दीजिएगा, लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं क्या कहलाता है? उसे दोस्तों सॉफ्टवेयर बोला जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देश की श्रृंखला है दोस्तों, जिसके अनुसार दिए गए डेटा का प्रोसेस करता है। बिना सॉफ्टवेयर से दोस्तों कंप्यूटर का कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। इसका प्रथम उद्देश्य डाटा को सूचना में परिवर्तित करना होता है दोस्तों, तथा सॉफ्टवेयर के निर्देश के अनुसार ही हार्डवेयर जो है वर्क करता है, ये आपको जानना जरूरी है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है? सॉफ्टवेयर का अर्थ दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को क्या बोला जाता है? उसको दोस्तों सॉफ्टवेयर बोला जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसी भी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा प्रोग्राम की बात हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू कन्वर्ट डाटा इनटू, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस रूप में बदलना होता है दोस्तों? ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इन्फॉर्मेशन सूचना के रूप में बदलना होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? कंप्यूटर के संबंध में सॉफ्टवेयर का अर्थ है दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्राम करना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों, 34 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है दोस्तों, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट है दोस्तों, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण माइक्रोसॉफ्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इत्यादि प्रोग्राम को यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं, जैसे लेटर राइटिंग, मेल मर्ज, कैलकुलेशन, ये सब जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देख सकते हैं दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है, प्रत्येक बोर्ड में।
क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है, उसको दोस्तों सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर चलाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला डाटा या सूचना को सॉफ्टवेयर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। स्टोर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत दोस्तों कंप्यूटर के सभी कार्य को नियंत्रित यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको ALU के नाम से जाना जाता है, एंड स्टोर यूनिट जो है जिसको मेमोरी के नाम से जाना जाता है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा से प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेवार होता है, वो हिस्सा है दोस्तों CPU, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, इफ यू वांट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर PC यू नीड टू अपग्रेड। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, यदि आप अपने PC की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। इस ऑप्शन में किस चीज को अपग्रेड करना होगा वो पूछ रहा है। उसमें दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, CPU को जो है अपग्रेड करना होगा, ठीक है दोस्तों। PC की कार्य क्षमता को बेहतर करने के लिए CPU को जो है अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि CPU किसी भी कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसमें सभी गणनाएं होती है दोस्तों। CPU जितना तेज से काम करता है, PC की जो है कंप्यूटर की कार्य क्षमता दोस्तों उतनी ही अच्छी होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर बेसिक टास्क परफॉर्म बाई CPU आर फैच, मल्टीपल एंड आउटपुट, मैनिपुलेट एंड आउटपुट। CPU द्वारा संपादित किए जाने वाले चार कार्य क्रमशः प्राप्त करना और कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन प्रदान करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डिकोड यानी स्पष्ट करना। द फोर बेसिक पार्ट परफॉर्म बाई CPU आर फैच, डिकोड, मैनिपुलेट एंड आउटपुट, ठीक है दोस्तों। ये फोर बेसिक पार्ट है, फैच करना, डिकोड करना, मैनिपुलेट करना, देन आउटपुट तैयार करना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों, 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें CPU प्रोग्राम को निष्पादित कर सकते हैं, ये दोस्तों द्विधारी में ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कंप्यूटर में प्रत्येक डाटा जो है दोस्तों अनुदेश तथा परिणाम को द्विधारी या बिट में निरूपित करता है या स्टोर करता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए, क्वेश्चन को जो है बनाने की कोशिश कीजिए, सबसे बेस्ट प्रोसेस होता है। ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई हो जाएगा, CPU। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण CPU द्वारा किया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, उस हार्डवेयर डिवाइस कौन है, इस ऑप्शन में आप लोग सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई हो जाएगा, प्रोसेसर। प्रोसेसर अथवा CPU कंप्यूटर का वह प्रमुख हार्डवेयर डिवाइस है दोस्तों जो डाटा को अर्थपूर्ण सूचना में जो है परिवर्तित करता है, ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU के लिए दूसरा शब्द कौन सा है, CPU के लिए दूसरा शब्द दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर उसको बोला जा सकता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क ब्रेन होता है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट जरूर कीजिए क्या आंसर है, ठीक है। उसे बोला जाता है CPU बोला जाता है दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। CPU किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क या ब्रेन बोला जाता है, ऑप्शन सी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 45 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ CPU रिस्पॉन्सिबल टू डायरेक्ट द सिस्टम टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन भी बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से CPU का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने देने के लिए जिम्मेवार है, एग्जीक्यूट करने देने के लिए जो है जिम्मेवार है, रिस्पॉन्सिबल है, उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, उसे जो है कंट्रोल यूनिट बोला जाता है, ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए,
कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ऑलरेडी डिस्कस किए अभी दोस्तों, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों सीपीयू जो है कंप्यूटर के सभी कार्य को नियंत्रित कंट्रोल करता है, निर्देशित करता है एंड समन्वित करता है। ठीक है दोस्तों, इसी कारण जो है सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, ये सीपीयू ऑप्शन है, करेक्ट होगा। देख सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन इसी टाइप को घुमा घुमा के आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? कंप्यूटर का मस्तिष्क की बात हो रहा है दोस्तों, ये जो है सीपीयू को बोला जाता है। ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है? दोस्तों क्वेश्चन दो तीन यहाँ पे एक ही टाइप के हैं, क्योंकि आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन भी ऐसे ऐसे घुमा करके पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग अपडेट कर लीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सीपीयू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न प्रकार में मापा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको जो दोस्तों मेगा हर्ट्ज में नापा जाता है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है। दोस्तों कंप्यूटर की गति को एक सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देश की संख्या के आधार पर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 51 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड यूनिट टू रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ सीपीयू? निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना मात्रक जो है सीपीयू की गति का नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बाइट जो है। सीपीयू की गति का माप दोस्तों हर्ट्ज में किया जा सकता है, एमआईपीएस में किया जाता है, एमआईएफएलओपीएस में किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों, एंड इत्यादि में किया जाता है, जबकि बाइट में जो है मेमोरी का मात्रक होता है, ना कि सीपीयू का मात्रक होता है। कंफ्यूज होने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का निष्पादन प्रायः किसमें किया जाता है? सीपीयू का निष्पादन दोस्तों मेगाहर्ट्ज में किया जाता है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम क्या है? उसको दोस्तों ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा एमआईपीएस। ऑप्शन के अनुसार आप लोग इलिमिनेट करके बनाइए। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में मापा जाता है, उसको एमआईपीएस में मापा जाता है। दोस्तों ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, प्रोसेसर की गति। दोस्तों बता देना चाहता हूं, प्रोसेसर जो है कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट है दोस्तों जो किसी निर्देश को इंटरप्रेट करके उसे एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कंप्यूटर शब्दावली में एमआईपीएस का अर्थ क्या है? देख सकते हैं फुल फॉर्म भी एमआईपीएस का पूछ दिया है। इसका अर्थ है दोस्तों, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ऑप्शन भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को प्रोसेसर बोला जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रोसेसर बता देना चाहता हूं दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट है जो किसी भी निर्देश को इंटरप्रेट करके उसे एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 57 नंबर। कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का अर्थ होता है, कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का अर्थ होता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा बता दिया हूं। ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का तत्पर्य क्या है? दोस्तों ये भी वही क्वेश्चन है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्न में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है? ये जो है सीपीयू को बोला जाता है, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू में पी का मतलब क्या होता है? दोस्तों ये भी देख सकते हैं, इस टाइप से भी ऐसे भी क्वेश्चन को बना सकता है, इसलिए प्रोसेसिंग होता है। ऑप्शन ए। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का वह भाग जो उसके दिमाग की तरफ
कार्य करता है क्या कहलाता है, उसको सीपीयू बोला जाता है। दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने को मिलेंगे, ज्यादा हाई लेवल का नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि सिंपल लेवल ही रहेगा, ये आईटीआई लेवल का ही एग्जाम होने वाला है, ठीक है, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? पर्सनल कंप्यूटर में दोस्तों सीपीयू करता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ जाइए, निम्न में से कौन सी मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल मेमोरी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा बोल रहे हैं दोस्तों ये है ऑप्शन डी एएलयू। ऑलरेडी डिस्कस किया हूं दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मेन तीन भाग बांटा गया है दोस्तों, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूमुलेटर इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ। एक्यूमुलेटर का एक समाकलित घटक है, एक्यूमुलेटर बता देना चाहता हूं दोस्तों सीपीयू का एक इंटीग्रल कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ जाइए, 69 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है? वो है दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है, ठीक है दोस्तों। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू में अंतर्गत आता है दोस्तों, रैम जो है दोस्तों बता देना चाहता हूं ये जो है मेमोरी का भाग है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ जाइए, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित होते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर में दोस्तों कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सम्मिलित होते हैं, ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, रजिस्टर में नया डाटा डालने की क्रिया को क्या कहा जाता है? उसको दोस्तों रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सीपीयू में रजिस्टर का एक छोटा स्थान होता है दोस्तों जो प्रोसेस के समय किसी तरह की डाटा एड्रेस इंस्ट्रक्शन को थोड़े समय के लिए रखता है तथा नया डाटा रखने के लिए पुराने डाटा को मिटा देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ जाइए, 73 नंबर क्वेश्चन भी आ जाइए दोस्तों, प्रोग्राम काउंटर जिसको पीसी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ। प्रोग्राम काउंटर जो है रजिस्टर का एक अनिवार्य भाग है, ठीक है दोस्तों। ये किस चीज का है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कैच मेमोरी का जो है एक इंटीग्रल पार्ट है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रोग्राम काउंटर सीपीयू में उपस्थित एक रजिस्टर है दोस्तों, जिसमें मेमोरी के निष्पादन होने वाले अगले अनुदेश को जो है अनुदेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। निम्नलिखित में किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच एक्सेस होती है? वो होता है दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रैम, ठीक है दोस्तों। बता देना चाहता हूँ सीपीयू का फुल फॉर्म तो पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है दोस्तों, जो डाटा को सूचना में बदलते हुए प्रोसेस करता है। रैम में सीपीयू की सीधी पहुंच होती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ सीपीयू टेम्पोरली स्टोर डाटा फ्रॉम फॉर एएलयू ऑपरेशन। निम्नलिखित में सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रिया विधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी रजिस्टर, ठीक है दोस्तों। सीपीयू के अधिकांश कार्य को एएलयू द्वारा किया जाता है, जो इनपुट रजिस्टर से डेटा को लोड करता है, एएलयू आउटपुट रजिस्टर में दोस्तों परिणाम को स्टोर करता है, नियंत्रण इकाई इन रजिस्टरों एएलयू और मेमोरी के बीच डेटा को स्थानांतरित करता है। ये रजिस्टर का मैं ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग इस सेशन को अच्छे से इंजॉय करते हुए पढ़े होंगे दोस्तों।
ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि इस एक वीडियो से हमें कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, एंड दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि हर किसी को फायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए हुए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि मैं जितने महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए डेली प्रोवाइड करा रहा हूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, एक बात और बता देना चाहता हूँ, मैं जो भी वीडियो इस चैनल में प्रोवाइड कराता हूँ उसका पीडीएफ भी जो है 2 से 3 दिन के बाद टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और फ्री में पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको 75 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ, आप लोग फीडबैक जरूर दिया कीजिए दोस्तों, और कुछ सजेशन हो तो वो भी आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, स्टडी इंडिया अड्डा टीम आप लोगों के लिए बेहतर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने का हर संभव प्रयास कर रहा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।